नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका एआई एंकर निष्पक्ष। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजित पवार के जरिए एक बड़े ऑफर की पेशकश की है। हालांकि शरद पवार ने साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ जाने में उनकी कोई दिलचस्पी है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर नेहरूवादी विरासत को नकारने का आरोप लगाया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आज जो भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। नीतीश कुमार जब आडवाणी और अटल बिहार वाजपेयी की प्रशंसा करते हैं तो इनके मन में श्रद्धा भाव कम होता है और बीजेपी में विभाजन करने का प्रयास करते हैं। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे के बीच अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रानी लक्ष्मी पार्क में आयोजित दीपदान कार्यक्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और महापौर बिहारी लाल आर्य ने भाग लिया और वीरांगना लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। हरदोई में तालाब में नहाने गए दो बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे गांव के बाहर तालाब में नहाने गए थे, जहां गहरे पानी में जाने के कारण उनकी मौत हो गई। घटना से गांव में कोहराम मच गया है। थाना सांडी के क्षेत्र में गांव नावपुरवा है। नावपुरवा गांव के बाहर ही एक पुराना तालाब है जिसमें काफी पानी भरा हुआ था। तो गांव नावपुरवा मजरा धोंदी के दो छोटे बच्चे थे, शिवम पुत्र छोटे जिसकी उम्र लगभग 11 साल थी और अंकुल उर्फ आदर्श पुत्र हरिराम जिसकी उम्र भी 11 वर्ष थी। ये लगभग 4:30-5 बजे नहाने तालाब में चले गए, जहां ये डूब गए थे। तत्काल सूचना मिलने पर गोताखोरी मदद से इनको निकाला गया। इलाज के लिए तुरंत सीएसई अस्पताल चांडी ले जाया गया, वहां से ये रेफर हो गए जिला अस्पताल, जहां पे इनको मृत घोषित कर दिया गया। महोबा में अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 पशु तस्कर से 48 मवेशी बरामद किए हैं। तीनों तस्कर मध्य प्रदेश के दमोह के रहने वाले हैं। वृंदावन में ठाकुर राधा स्नेह बिहारी मंदिर के पास पुरानी बिल्डिंग गिरने से 5 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोशायद मोहल्ला पड़ता है वृंदावन में, जहाँ एक पुराना मकान था, उसमें ऊपर का पोर्शन जो है वो गिरा और नीचे कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे, गुजर रहे थे, उनके ऊपर वो मलबा ऊपर से गिरा। लोकल एसएचओ और पुलिस टीम संयोग से पास में ही थी। तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जितने लोग दबे थे उनको तत्काल वहाँ से निकाला और उनको नज़दीकी जो ससई अस्पताल है वहाँ पहुँचाया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब नेपाल में रामकथा सुनाएंगे। दरअसल नेपाल के एक बड़े व्यवसायी वरुण चौधरी के आमंत्रण पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नेपाल जा रहे हैं। यहां वो 19 से 21 अगस्त तक रामकथा सुनाएंगे। तो हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। 18 तारीख को काठमांडू पहुंच रहे हैं। 18 में उनका पशुपति में कार्यक्रम है, फिर 19, 20, 21 को 3 दिन हमारे शाश्वत धाम में उनका हनुमत कथा का हम लोग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं। कितना उत्साह है नेपाल में लोगों को पंडित, जब से ये पता चला है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पहुँच रहे हैं? बहुत ज़्यादा ही, जिस हिसाब से एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है वो उससे ये प्रतीक होता है कि सब में एक उत्साह का माहौल है। 12 साल बाद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। ऐसे में आईसीसी ने प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे ताजमहल में कुछ लोग हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लेकर पहुंचे, जहां ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनवाने के लिए पर्यटकों में होड़ लग गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।